अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ भुरते के पराठे। तो इसके लिए भुरता तैयार करना है, मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके और छील के रख लिया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसको मैश करेंगे। भुरते को हम भूनेंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है ऑयल, 1/2 कप है। तो मैं इसमें से आधा यूज़ करूँगी, आधा मैं पराठों के लिए यूज़ करूँगी। हरा धनिया है, प्याज है, क्योंकि हम भुरते को जो है वो भूनेंगे तो प्याज में फ्राई करेंगे, उसके बाद हम फिर यूज़ करेंगे। नमक है, ये ज़ीरा पाउडर है जो मैंने भून के रखा हुआ है। कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें हैं और हरी मिर्चें हैं। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आलू को मैश कर लेते हैं और मैश करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने मैश कर लिए हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और रेड चिली फ्रेश और पिसी हुई, ये दोनों हैं वो भी ऐड कर दी मैंने इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी ज़ीरा पाउडर, ये मैंने भून के रखा था। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये इससे मिक्स नहीं हो रहा है, मैं हाथों से मिक्स करती हूँ इसको। तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि उससे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हमें अच्छे से मिक्स करना है कि आलू की कोई भी गुठली इसमें ना रहे, क्योंकि फिर वो हमें पराठा बनाने में प्रॉब्लम करेगी। तो ये बस जैसे ही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इसको भूनूँगी। तो मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने डाल दी है प्याज, और प्याज को हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू का भुरता। तो चलें ब्राउन होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू का भुरता, और भुरता ऐड करने के बाद हमें इसको भूनना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो चलें मैं डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमने डाल दिया है अच्छे से। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, और ये तकरीबन हमारा भुन गया है। तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ये हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसके बनाऊंगी पराठे। तो आटा मैंने गूंद के रखा था, और उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं इस साइज़ के, और इसकी फिर हम चंगेरी बनाएंगे, चंगेरी ही बोलते हैं। तो मैं 2 पेड़ों की चंगेरी बनाऊंगी, और उसके बाद इनको एक ही साइज़ का बेलना है हमें। तो बहुत से लोग जो हैं वो एक पेड़े का भी बनाते हैं, लेकिन वो मुझसे हैंडल नहीं होता, तो इसलिए मैं ये 2 पेड़ों का बनाती हूँ। और अच्छे पतले भी बनते हैं, वो थोड़ा सा भारी और हैवी होता है। तो आप ऐसा ट्राई करके देखिएगा, मेहनत तो होती है लेकिन देखने में भी अच्छे लगते हैं, और हल्के होते हैं तो फिर आपको पता है कि हैंडल हो जाते हैं। तो ये मैंने दोनों पेड़े एक से एक ही साइज़ के बना लिए हैं, और अब मैं इसमें डालूंगी फिलिंग अपने आलू की। तो अब मैं इसमें फिलिंग डालूंगी अच्छे से, हर तरफ रख लें आप। और उसके बाद मैं अपना दूसरा पेड़ा उठा के वो इस पे सेट करूंगी। तो ये अच्छे से आप दबा के इसके किनारे सेट कर लें, और उसके बाद जो है हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। और अभी तो ठंडे हैं तो आपको पता है पराठे अच्छे लगेंगे। तो अब मैं इसको हल्के हाथ से बेलूंगी। तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो मैं डाल के आपको उस पर दिखाती हूँ। तो ये तवा मेरा गरम हो गया है, अब मैं इस पर पराठा डाल दूंगी। उसके बाद हम कलर चेंज होने के बाद इसको चेंज करेंगे। तो जैसे ही कलर चेंज होगा तो मैं इसको पलट दूंगी, और उसके बाद जो है अब मैं नीचे कलर आने तक पकाऊंगी। और मैं बना रही हूँ ऑयल में, तो इसको घी में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में थोड़े से भारी हो जाते हैं, तो मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। तो मैं जब इसमें कलर आ जाएगा तो मैं इस पर हल्का हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा दूंगी। तो ये देखिए इस पर कलर आ गया है, तो अब मैं इस पर ब्रश से ऑयल लगा दूंगी। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं इसको ऑयल लगा दूंगी इधर से भी, और उसके बाद फिर मैं इसको
कलर देने तक सेकूंगी। जैसे ही हमारा कलर आएगा तो इसी तरह मैं अपने सारे पराठे बना लूंगी। मैं आपको एक बना के ही दिखाऊंगी। तो आप इसको हर तरफ से सेक लें अच्छे से। अब मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप इसको एंजॉय करें चटनी के साथ। ये वही चटनी है जो उस दिन मैंने आपको सिखाई थी। सैलेड है, ग्रीन चटनी है, दही है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।